अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यू मोबाइल i6 मेटल 2018 मॉडल जो है, इसका अगर FRP लग जाए तो आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं बग़ैर कंप्यूटर के, यानी कि आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इस पर FRP लगा हुआ भी है या नहीं है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैंने वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, आपने भी कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट हो गया यहाँ पे स्टार्ट एज़ न्यू पे। तो दोस्तों ये आप अभी देख सकते हैं, इसका जो हार्ड रीसेट किया गया है, इसका कोड रिमूव किया गया है, वो है पैटर्न। तो आपको जिस वजह से आपने हार्ड रीसेट किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा, पैटर्न, पासवर्ड, पिन कोड, जो भी आपने रिमूव किया होगा। अगर तो आप हार्ड रीसेट करने के बाद आपको याद आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप दूसरा गूगल का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल अकाउंट के ऊपर जब हमने ये क्लिक की है तो उसके बाद ये चेकिंग इन्फो के बाद ये आप देख सकते हैं इसका गूगल अकाउंट है। अगर आपके पास गूगल यानी जीमेल की आईडी है जो इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, वही आईडी आपने एक दफ़ा लगानी है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके साथ स्किप का आप देख सकते हैं कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो सिंपल अब हम बैक चले जाते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं, हमने एमरजेंसी कॉल के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आपको एक चीज़ और समझा दूं कि आपने ये आप देख सकते हैं सिम के सिग्नल आ रहे हैं तो आपने सिम डाल लेनी है। तो मैंने ऑलरेडी सिम डाल के रखी हुई है इसलिए मैं आपको आगे समझा देता हूँ। अब आपने एमरजेंसी ये आप देख सकते हैं, अब आपने एमरजेंसी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करनी है और ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, या ये नहीं हो रहा, आपके सामने ये नहीं आ रहा होगा। आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करनी है और ये ऐड कॉन्टैक्ट आ रहा होगा यहाँ पे। ये जो ऐड कॉन्टैक्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से एक नंबर ऐड करना है। ये नंबर ऐड हो गया, फ़र्ज़ करें ये नंबर ऐड हो गया। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा एक ऑप्शन निकल आएगा। तो यहाँ पे आपने इसके ये जो कॉल वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देनी है तो आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड में आपने डायल करना है *#*#4636##। अब जब मैं इसको स्टार दबाता जाऊंगा तो इसके सामने एक नई टैब आ जाएगी, नई विंडो आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं टेस्टिंग इसका मेन्यू निकल आया है। तो अब हमने यूजिंग स्टैटिक्स पे जाना है और यहाँ से इसको बैक कर देना है तो हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं पहले आपको चेक करवा देता हूँ कि इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या है। ये आप देख सकते हैं 8.1.0। अब हमने बैक चले जाना है। सिक्योरिटी पैच भी यहाँ से आप देख लें, 5 जुलाई 2018 वाला है। ये आप i5i के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं जो i5i 2018 मॉडल है। बैक जाके सेटिंग में हमने जाना है, एप्लीकेशन में ये आ गई। अब हमने ये सी आल के ऊपर क्लिक करनी है और YouTube में चले जाना है। ये YouTube इसमें Go वर्जन है तो हमने Go के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद ऐप नोटिफिकेशन में जाना है और एंड वाला जो ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग, इस पे जाना है और फिर हमने यहाँ पे एंड वाले ऑप्शन में जाना है जो अबाउट लिखा हुआ है। अब हमने YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ सर्च करनी है, यानी कि लिखनी है bit.ly/mobileFRP। तो ये दोस्तों आपने सर्च करना है bit.ly/mobileFRP और आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करनी, ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करनी है।
तो आपके सामने कुछ APK एप्लीकेशन का फोल्डर आ जाएगा, ये अभी आप देखेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टैब आई हुई, यहाँ पे खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा APK एप्स फॉर FRP, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है तो आपके सामने कुछ APK फाइल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपने 2 APK फाइल्स डाउनलोड करनी है, एक तो एंड्रॉयड 6XX ये याद रखनी है, ये कर लें या ये कर लें, क्योंकि हमारा 8 पॉइंट है तो हम 8XX को डाउनलोड कर लेते हैं। कंटिन्यू, अलाउ और यहाँ पे ये ओके का बटन दबा देना है। तो अब दोस्तों ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो गई है, जैसे ये डाउनलोड होगी यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, आपने ओपन के ऊपर क्लिक कर लेनी है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे ये अकाउंट लॉगिन वाली ये पहले नंबर पे जो फाइल है ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये अभी यहाँ पे इसका ऑप्शन आ गया है, ये जो हमने क्लिक की है, तो इसको हमने पहले इसको ओपन कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉलिंग के लिए ये सेटिंग पे क्लिक की और ये बटन हमने ऑन कर दिया और बैक कर दी, उसके बाद ये इंस्टॉल करनी है। दोस्तों जैसे ये इंस्टॉल होगी तो इसका ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा, डन का ऑप्शन आएगा, तो हमने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आ गया, इसको क्लिक कर दी। अब ये एक दफ़ा मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है अकाउंट लॉगिन वाली, तो ये ओके का ऑप्शन आएगा, इसको दबाना है। जैसे ये डाउनलोड होगी यहाँ से हमने इसको ओपन कर लेना है। ये आ गया, हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया और इंस्टॉल कर ली। अब इसको हमने यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करें तो ये हमारे पास रीटाइप पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, जो इसमें आईडी पहले लगी हुई है उसका पासवर्ड। तो आईडी जब के हमको याद नहीं है तो पासवर्ड कैसे याद होगा। अब हमने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन पर क्लिक करनी है और यहाँ पर ओके का बटन दबा देना है। अब दोस्तों ये जो टैब हमारे सामने नई पेज आ गया है, नया पेज, इसको ये हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी आप आईडी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक आईडी है तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक आईडी लगा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने आईडी लगा दी है, अब नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैंने क्लिक की और अब इसका मैं पासवर्ड लगा देता हूँ जल्दी से। तो अब दोस्तों मैंने इसका पासवर्ड भी लगा दिया है, अब साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये साइनिंग इन शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये मुकम्मल हो जाएगी तो हमने यहाँ पे सिंपल अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अब दोस्तों जब हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हमने स्टार्ट का बटन दबाना है और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अकाउंट हमने ऐड कर दिया हुआ है, इसके बाद हमने आगे मोबाइल को ओपन कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इसका अकाउंट ऑलरेडी एडेड हुआ हुआ है, तो नेक्स्ट कर देना है। तो ये दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इसका मेन्यू निकल आया है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।